बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दलहित की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस है। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सामने है। नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धोखे की राजनीति करते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। हाथरस सहयोग नहीं एक प्रयोग था। और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। तो बहुत दुख को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दलहित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दलहित की राजनीति करते हैं।